एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उसने अपने कहानी बताई तो मुझे कुछ बातें उसकी अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे बुरी भी लगी। लेकिन प्यार में ये सब होता रहता है, इसलिए ज़्यादा उस पर भी क्या कहना। लेकिन ये सच्ची घटना है, एक व्यक्ति अपने प्रेमी को बहुत चाहता था, वो चाहता था उसके साथ वो ज़िंदगी गुजारे। बचपन से ही वो अपने साथ में रहता, साथ में घूमता, साथ में खाता, हर चीज़ मानो वो दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। एक व्यक्ति चला जाता है बाहर पढ़ने, पढ़ता लिखता है, लड़का चला जाता है, लेकिन लड़की की अभी एक साल बची रहती है तो वो अपने घर पे ही पढ़ाई करती है, करने के साथ साथ फिर वो भी आगे चली जाती है, वो भी शहर चली जाती है पढ़ने के लिए। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि इन दोनों का प्यार जो इतना अटूट था, लड़की ने उसे धोखा दे दिया, वो किसी और के साथ रह गई, किसी और के साथ बातें करने लगी। अब वो उससे पहले वाले से ना बात करती, ना उसके मैसेज करती, ना उसके मैसेज का रिप्लाई करती, कुछ भी नहीं। लड़का बेचारा परेशान, क्या करे, कुछ समझ में ना। और जब आपने किसी से सच्चा प्यार किया हो तो आपको पता होगा कि एक एक पल जब ऐसा होता है तो क्या तकलीफ होती है उसे। जब कोई छोड़ के जा रहा होता है तब उसी की याद आ रही होती है, उसकी हर एक चीज याद आ रही होती है, हर बात उसकी याद आ रही होती है, उसे कैसे भुला पाए। इतना आसान तो है नहीं, इतनी जल्दी तो हो नहीं सकती ये सारी चीजें कि वो कर कोई छोड़ के चला जाए तो इतनी आसानी से उसे भी छोड़ दे। कभी कभी ऐसा लगता है कि सच्चा प्यार इस दुनिया में ना के बराबर है, समझ नहीं आता क्या करें, ना खुद को समझ आता। सामने वाला तो वो चाहता है कि ये हमारे लिए लॉयल है, वो चाहे जैसा करे, लेकिन हम पूरे के पूरे उस पर डिपेंड हो जाते हैं। आजकल इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ परसेंट होते होंगे, 5-10%, लेकिन आज बहुत से ऐसे रिश्ते हैं जो अवरेज में चल रहे हैं। हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हर चीज में आपको झुकना पड़ेगा। अगर जो इंसान झुक के चल रहा है तो ऐसे प्यार भी क्या क्या मतलब है ऐसे प्यार का, जब उसे एक दूसरे का समझने वाला ही ना हो, उसके दर्द उसके तकलीफ को समझने वाला ना हो, उसकी भावनाओं को उसे क्या चाहिए, उसे क्या उद्देश्य है आपके जीवन से, ये तो समझना चाहिए ना, जभी तो रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जिंदगी तुम्हारी है, कैसे बढ़ाना है, कैसे गुजारना है। पर एक बात तो समझ लो कि जिंदगी में अगर कोई छोड़कर चला भी जाए ना, तो अकेले कैसे जीना है ये सीख लो, खुद को कैसे रहना है, सेल्फ डिपेंड कैसे रहना है, कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किस रिश्तेदार से मिलना है, किसके घर जाना है, किसके घर नहीं जाना है, ये सारी चीजें पहले से अगर आपने डिसाइड कर लिया तो समझ लो आपकी जिंदगी खुशहाल तो जाएगी लेकिन बेस्ट होगी।